ना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए अमोल कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने इलेवेंथ ट्वेल्थ सी ए सी एस सी एम ए का सपना साकार डाउनलोड नाउ हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया ए के सी एम ए फॉर सी ए फाउंडेशन वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बैचेस हो और आज मैं आपके साथ जो जुड़ चुका हूँ ऐसे समझिए डे वन है हमारी पढ़ाई का और आपको सारी बातें जो आपके मन में डाउट है कि सर हमारा ट्वेल्थ तो अच्छे से हो गया कहीं ना कहीं बहुत हेल्प हुई कि आपने जो स्ट्रैटेजी बताई और बोर्ड एग्जाम था पेपर पैटर्न फिक्स था वेटेज था क्या सीए में भी वैसे होता है क्या सीए सच में सर मैनेजेबल है हम अच्छे ऐसे स्ट्रैटेजी से पास हो सकते हैं क्या आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो मतलब क्या फर्क रहेगा मतलब ये लेक्चर ऑफलाइन वाले बच्चे भी देखिए ऑनलाइन वालों को ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसमें ऑनलाइन के एंगल से ही बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप घर पे बैठ के चीजों को अगर सही ढंग से करो तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा बन सकता है जैसे कुछ ही दिनों में हमने ट्वेल्थ का रिजल्ट मतलब अच्छा ही आएगा मानते पेपर अच्छे गए हमारे दोस्तों हल्की फुल्की बातें करेंगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आपको यूजफुल हो जाएगा आप जरूर पूरा लेक्चर देखिए कि पढ़ते कैसे या पढ़ना चाहिए कैसे आपने बहुत ज्यादा बर्डर लेना सर पहले बात तो ये बताइए हमारा एग्जाम नवंबर दिसंबर में जब भी इन यहां पे करीब करीब होने वाला है तो हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको सब बता दिया अठारह तारीख को जो हमारी मीटिंग होनी है राइट या फिर वहां पे कुछ बच्चे ड्यू टू जो ऑफलाइन में बाहर गए उन्हें पॉसिबल नहीं है या जो भी है आप जब ये लेक्चर देख रहे हो दोस्तों और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ी तो छुट्टियां दे दो अभी तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुई है थोड़ा लेट चालू करो सब बताऊंगा कहां से रेगुलर क्लास चालू हो गए क्या टाइमिंग हो गए ऑफलाइन के लिए तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सुबह आठ साढ़े आठ बजे से लेकर दो तीन बजे तक हम कंटिन्यूस पढ़ने वाले ऑनलाइन वालों के लिए शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्या होगा बताता हूं मैं आगे लेकिन अब सुनिए एंड में जरूर मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन के लिए शेड्यूल क्या होगा पहले सुनिए सर और मैडम हम लोग जब पढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को मेरा काम यही रहेगा कि जैसे सर पिछले पास और एक चीज बताओ कुछ करने से पहले दोस्तों मॉड्यूल तो हम पढ़ेंगे ये बहुत सारी बुक्स आपको दिख रही होगी सर ये क्या है जितने सोर्सेस अवेलेबल है जितने आज तक फाउंडेशन के पेपर हुए हैं आईसीआई के वेबसाइट पे हो उनके रिवीजन टेस्ट पेपर क्या होते हैं टेस्ट पेपर क्या होते हैं जिन्हें एमटीपी कहा जाता है सर सारी बातें आपको बताई जाएगी सारा एनालिसिस है सारा स्ट्रक्चर रेडी है हम लोगों को स्मार्ट वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है देर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क वो तो करेंगे ही सर लेकिन अगर उसमें स्मार्ट वर्क का तड़का लग जाए ना कि सर पढ़ना पढ़ते हैं लेकिन हमको पता है कि सर ने क्या कहा है कैसे पढ़ना है मैं आपको दो मिनट बता रहा हूँ दोस्तों सिर्फ ध्यान दीजिए बहुत बच्चों को अकाउंट्स और लॉ में क्योंकि राइटिंग वाले सब्जेक्ट के तो ज्यादा इश्यू होते हैं इवन मैथ्स में भी रहता है सर जरा सुनिए इस बात को अकाउंट्स के लिए मैं आपको बताऊ ये देखो हमारा जो ये पिछले कुछ अटेम्प्ट का ये सिनारियो सर दिसंबर 2020 जून 2020 2022 के दो अटेम्प्ट 2021 में तीन अटेम्प्ट हुए थे पहली बार आप सोचोगे तो कहोगे सर ऐसा क्यों आईसीआई तो दो ही अटेम्प्ट लेती है गलत है क्या नहीं दोस्तों कोविड का टाइम था जहां पे आपका अटेम्प्ट मतलब नवंबर 20 के बाद वो एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे दिया गया था जनवरी में करके तो इसलिए आप पे तीन अटेम्प्ट हो गए थे नवंबर में एक ही अटेम्प्ट दिखेगा क्योंकि कोविड वाला टाइम था था मैं अटेम्प्ट हुआ नहीं था। सर ये क्या बता रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस पेपर का जो सीए फाउंडेशन के हो चुके हैं सर अब आप इसमें क्या बताने वाले हो सारे चैप्टर सर और मैं आपको बताऊ जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और मैं कहूंगा बेटा देखिए ट्रेंड क्या है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमेशा पूछा गया है बताओ आप ध्यान दोगे कि नहीं दोगे आप अच्छे से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा सर मैं आपको वाई ये रीजन देके कि क्यों ये अच्छे से करना है वो बताऊंगा और आप डेफिनेटली वहां पे कोई भी ऐसे ना कि एबसेंट नहीं रहोगे या ऐसे नहीं बोलोगे यार जान बोर हो रहा है आपको मोटिवेट रखा जाएगा मालिक ये चीज समझिए सब चीजों का एनालिसिस है सर उसके बाहर कुछ नहीं जा रहा है सर बी क्या बताओ आपको दस मार्क्स सर आपको अभी आपका डाउट रहेगा सर हमने बी आर एस किया ही नहीं था क्या हाँ आप हमें बहुत पहले से बताओगे सर हमारा अकाउंट बहुत वीक है क्या आप ऐसे अज्यूम नहीं करोगे ना कि हमारा हो गया है बिल्कुल नहीं ये तो अकाउंट की बात चल रही दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊ मैं स्टेप वाइज जाने में बिलीव करता हूँ सर मैं आपको सबसे पहले कुछ महीनों में सबको इतना तो पहुंचा दूंगा कि आप हर सब्जेक्ट में साठ मार्क्स से कम तो आएंगे नहीं आपके पासिंग के लिए कितना चाहिए बताओ फिफ्टी परसेंट इन एवरी सब्जेक्ट राइट अब साठ मार्क्स सर अगर आगे मतलब क्या ये एनालिसिस जो कह रहे हैं ना सर बी आर एस का इतना प्रैक्टिस कर लो हर अटेम्प्ट का ये हर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे सर जो प्रीवियस एग्जाम में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा पेपर में आ क्या रहा है ओके और भी सुनिए सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एर ग्यारहवीं मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने क्या कर दिया ऑप्शन को डाल दिया पूरा ग्यारहवीं पहले पढ़ाया जाएगा यस सर भी पहले पढ़ाया जाएगा उसके बाद फाउंडेशन पे लाऊगा ताकि आपका सर जो जो वीक पॉइंट था वही आपका स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्फिडेंस सर आ जाएगा दो से चार मार्क्स हमेशा कभी कभी दस मार्क्स के लिए पूछ लिया गया एनालिसिस रहेगा फिर पढ़े जाएंगे चैप्टर पहले आपको बता दिया जाएगा कि बेटा ये आईसीआई का इतिहास है अब पढ़ रहे चलो इच्छा होगी कि नहीं पढ़ने की क्यों नहीं होगी सर समझिए आप ऑनलाइन कर रहे हो फिर भी तो पढ़ाई हुई रही ना आप अभी सर बहुत बच्चे बोलते हैं सर हनार का ऑनलाइन डेफिनेटली होगा सर आप ये कर रहे हो मतलब आप आपने गट से कि आपको अभी पढ़ना है और आपको सच में पढ़ना है तो सर बात ही नहीं बनती कुछ देखिए आगे और मैं आपको लॉ इको सबका बताने वाला हूँ सर ऐसे सब हमको दोगे आप लोग सब मिलेगा सब मिलेगा सर एक बात मैं बताना चाहूंगा एक चैप्टर है एवरेज ड्यूटेड बहुत सिंपल सा चैप्टर है जो नया है पांच मार्क्स एवरी अटेम्प्ट एवरी अटेम्प्ट सर एक अटेम्प्ट हुआ था जहां पे करंट अकाउंट करंट आ गया था लेकिन सर ये चैप्टर आपको बोलो अच्छा करना है कि नहीं करना कौन कहता है सर सीए में ट्रेंड नहीं होता कौन कहता है देखो सर आप डरो मत डराई की दुनिया कि सीए ले लिया ना अब तो बस झंड हो गई जिंदगी भी पढ़ना ही पड़ेगा और बच्चे वही करते गलती से पढ़ते रहते क्या पढ़ना नहीं पता सर पढ़ना आठ घंटा पढ़ना हर एक चीज कर लेनी है सर ये अगर मैं आपको कह रहा हूं पढ़िए ना लेकिन सर कोई चैप्टर अगर आईसीआई का इतना कुछ उसको वेटेज नहीं है मतलब मान लिया कि हम तो सभी करने वाले हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो बहुत पूछा जा रहा है मैं आपको कहूंगा बेटा चलो एटलीस्ट जो साठ मार्क्स का आ रहा है ना वो अच्छे से कर लो उसमें कुछ भी कमी मत रखना सर लॉ लॉ में दिक्कत होती है बेटा लॉ का तो आप टेंशन लो ही मत आपको मैं बता रहा हूँ सर लॉ का अगेन टेन अटेप तक का आपका सारा एनालिसिस सर लॉ हमको लिखते आएगा ना सर देखो सब है सर सब पढ़ा होगा और मैं बता दूंगा कि कैसे आपको टेंशन लेना नहीं है एक मार्क्स के लिए पूछा गया था यहाँ पे आप देखिए हर हर किसी का वेटेज आपको दिया है आपको मैं लेके जा रहा हूँ एक चैप्टर पे कौन से यूनिट में देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करके एक है जो कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से करना है आपको जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा दोस्तों वो नोट्स में अब तक दस अटेम्प के जितने भी सवाल आ आगे आई के सबका कंपाइलेशन रहेगा पढ़ना एक तरफ देखो कंपनीज एक्ट थर्टीन सर देख लो दस मार्क्स तक एवरेज चार्ज आया ही आया है और है में। आपके लिए फायदा है मैथ्स वालों करा लेंगे वापस ग्यारह बारह में उसी में भी था स्ट्रक्चर को समझिए इस पे पेपर हो गए स्ट्रक्चर वही बताने वाला थोड़ी पूरा लेक्चर देखिए एंड तक तो क्योंकि आप तो लेक्चर करने वाले हो सर हो सकते मैं यूट्यूब पे भी ही दूंगा और तो आप मीटिंग में आने वाले थे सर हमारे लेक्चर ऑनलाइन वालों के कैसे हो गया? सर ये जो सेटअप देख रहे हो ना आप मुझे देख रहे हो सेटअप देख रहे हो यही सेटअप तुमको लाइव में मिलेगा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे सर आप अपने हिसाब से स्पीड पे देखिए और कंप्लीट कीजिए क्योंकि सैटरडे संडे दो दिन मैं रखने वाला हूँ क्यूमुलेटिव रिविजन वाला कि आप लोग रिविजन कीजिए आप पेपर दीजिए एवरी संडे और ऐसा अगर करोगे दोस्तों क्यों रिजल्ट तक वेट करना अपने सारे दोस्तों को भेजो जो ये सोच रहे सर आरामत करून घे ना अरे भाई मेरे अगर ठान लिया है ना करना है तो आर या पार अब तो करके दिखाना है सर और वो जुनून है पहले अटेम्प्ट को सर आपको बहुत वक्त मिलता है मैं रिपीट इस चीज को कर रहा हूं सर ये अटैम्प्ट में आपको इतना टाइम दिख रहा है कितना सर ये जो मैंने बताया करीब करीब नौ महीने लेकिन सर अगर आप एक भी अटेम्प्ट मतलब सपोज ऐसा ना हो सर लेकिन अगर आप जाते हो दिसंबर में अटेम्प्ट देते हो सर बोलेंगे बहुत रिलैक्स पड़ा हमें मैं पन देऊ टाकू और आगे आपको समझता है यार मे के लिए तीन से चार ही महीने मिलते पढ़ने को वापस कुछ सिलेबस में अपडेट हो रहा है चेंज हो रहा है तो नवंबर मालिक फाइनल पास कोई कोई हमको वहां पे ना कोई दिक्कत नहीं चाहिए और ये जो शेड्यूल है मैं आपको ऑनलाइन वालों को तो बताऊंगा क्योंकि मैं कुछ ब्रेक में उनके शेड्यूल रखूंगा मॉर्निंग एक आफ्टरनून क्योंकि आप एट अस्ट्रेज मोबाइल लेके छे घंटा नहीं बैठ सकते हो मुझे पता है और हम वैसे ही फाउंडेशन का कुछ तो एनालिसिस करके चीजें बनाते हैं समझिए इस बात को सर कि आप लोगों को दो दिन तो मैं रिवीजन और पेपर राइटिंग के लिए देने वाला हूं ताकि आप ना रिलैक्स रहो चीजों को एकदम बर्डन ना ले लो और इतना महीना है सर के आराम से क्रैश बैच की फीस उतनी ली जाती है सर और आप समझिए आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए मालिक बहुत चीजें बहुत लोग आके तुमको बताएंगे सर हम फ्री में मदे उन टाक तो हम इतना ही ले, ले लेंगे लेकिन सर यही तो कोर्स है कि जब तक तो कोई करवाने वाला मिलता नहीं ना सर बाकी तो आपको पता है आप होशियारों से आपको वो उस तरीके से क्या तो इकोनॉमिक्स देखो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है इकोनॉमिक्स सर कैसे बताओगे सब बताओ और इकोनॉमिक्स के मैं आपको अभी तक आप सुन रहे हो ना ये देखो चैप्टर 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 और सर आप वेटेज देख सकते हो नाइनटीन मार्क्स थर्टीन मार्क्स ट्वेल्व मार्क्स सेवनटीन मार्क्स सबसे बेस्ट और पूरे इकोनॉमिक्स साठ एमसीक्यूज पेपर में आने वाले हम आपको करीब करीब तीन हजार से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कराने वाले कितने कहा मैंने थ्री थाउजेंड से ज्यादा एमसीक्यूज मालिक तो ये चीज याद रखिए आप लोग तीन हजार से ज्यादा एमसीक्यूज करने के बाद आप लोग साठ एमसीक्यूज पेपर में नहीं सॉल्व कर सकते कर सकते हो सर और ऊपर से एक चीज बताओ आप लोगों को पूरा गौर और पेपर कहां से आएगा पता है इन्हीं तीन हजार एमसीक्यू जैसे मिनिट सर सर वही से आएगा यस उसका प्रैक्टिस सर ऑनलाइन वालों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे सब मिल जाएगा सर नोट्स के सब 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 चीजें मैं आपको अवेलेबल करा के दूंगा और बता दूंगा कि कहां से क्या कैसे मिलने वाला है और फिर क्या होता है बीसी के बहुत बड़ा डिफिकल्टी है क्या है, सर मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें सर बहुत मेहनत करके रखी है सर ये चीज आईसीआई के मॉड्यूल के अलावा इतना मैं आपको नहीं पढ़ने को बोलने वाला हूं इतना मैं पढ़ के रखा हूं मैंने सर और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें कंटेंट है जो सिस्टमेटिक तरीके से लाना था एक जगह पे सब हो चुका है अब आप पढ़िए आपको सब मेहनत हम कर रहे हैं मेहनत आप भी करोगे हम उस चीज को सही ढंग पे लेके आएंगे आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना पेपर को जाना सर और उस मेंटेलिटी के साथ जाना कि इस बार हम पास ही हो जाएंगे समझ तो में आ रहा है दोस्तों जो ऑनलाइन के लिए डाउटफुल थे डेमो लेक्चर चाहिए सर सब चीजें होगी बेटा और डेमो लेक्चर में ये जो चीजें जो नहीं बताई जाती वो मैं आपको ओपन बता रहा हूँ कोई और क्लास वाला देख ले भी आप भी देख लो बताओ बच्चों को ना डराओ मत आप डरिए मत दोस्तों की भाई सीनियर सर मेरा सीनियर ना फेल हो गया इट्स ऑल अबाउट ना मैं बोलता हूँ कि सीए इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट योर प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी और कितना आप सही ढंग से अप्रोच रख के पड़ते हो ऐसे नहीं कि सर इसने, इसने, इसने इसका ये फेल हुआ तो मैं भी हो जाऊंगा क्या सर वो तो बहुत पढ़ता था उसको तो नाइनटी परसेंट है अरे मेरे भाई हो जिनको फोर्टी परसेंट है ना वो भी आज सीए हुआ है सर ये होशियारी का गेम नहीं ये डिसिप्लिन का गेम है और अगर आप लोग करना चाहते हो ना तो सर किस्मत खरी आपके लिए आप बस अपना बेस दीजिए मालिक आप में वो गट्स से आप में वो हुनर है सर कम से कम टाइम में अगर आप ट्वेल्थ में इतने अच्छे से किए तो क्यों और मैं तो कहता हूँ ना बीकॉम तो करना है यार बीबीए करना है साथ में एक कोर्स ऐसा कर रहे हो जिसमें कोई बिगड़ तो नहीं रहा बीकॉम तो ऐसे भी चल रहा है लेकिन सर यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी हम चीजों को सही ढंग से करेंगे और आ रहे तो ना कितना डिफिकल्ट सर मैथ्स का क्या मैथ्स का तो बोला ही नहीं आपने बेटा यस मैथ्स का तो मैथ्स के टीचर ही आएंगे वो आपसे बात करने ही वाले और है ना स्ट्रैटेजी तो मैं भी दे सकता हूँ हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स का भी आपको अच्छे से ही समझेगा और एक और आपको अगर मैं रोज गाइड करूं सर तो आपको लगता है डिफिकल्ट जाएगी चीज नहीं सैटरडे संडे इसलिए तो रखा है सर जहां पे हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं बहुत इनपुट लेना है अब आउटपुट लेना है जो दिन पढ़ा ना उसको बाहर निकालो याद आ रहा है क्या सर बाकी क्या करते मुझे नहीं पता हम बहुत शांति से बहुत आराम से और बहुत सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिकली जाने वाले ऑफलाइन ऑनलाइन अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए जिनको डेमो चाहिए था भाई सर क्या बोलने वाले है ऐसे क्या पढ़ाएंगे आपके सर तो सर हम कुछ अलग नहीं करेंगे हम सिर्फ आपको क्यों पढ़ना है कैसे पढ़ना है और भाई इच्छा है ना कर लो ना सर देखो ये चैप्टर इतने मार्क्स बेटा पढ़ने की इच्छा है क्या चलो कैसे, कैसे मतलब रखी तीन हजार साढ़े तीन हजार और सर इसके इतने एमसीक्यूज तो बोला ही नहीं भूल गए कि आप नहीं सर इसके भी करीब करीब दो से ढाई हजार एमसीक्यूज मिलेंगे हो गए प्रैक्टिस हो जाएगा एवरीडे तुमको लगता है क्विज अपना टेलीग्राम चैनल है फाउंडेशन का अलग वहां पे हम पोस्ट करते रहेंगे सर सी ए में अगर स्ट्रैटेजी पास है अगर आप सिर्फ ये मान के चल रहे हो कि सर हम तो इतने बुक से इतना सब पढ़ना, इतना सब सब पढ़ना पढ़ना नहीं सर तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं दे रहा हूं आपको तो अब आप क्या करेंगे सर हम जितना मैं कह रहा हूं उतना अच्छे से करते हैं हो जाओगे समझा और टेंशन मत लो सही बात सर अब हम फाइनली एग्जैक्ट कब से शुरू कर रहे हैं करके दोस्तों मैं आपको कहूं एक चीज कि मेरा ऐसे मानना था कि मैं अठारह तारीख को मीटिंग लो अठारह मार्च को मतलब ये लेक्चर कोई बाद में देख रहा होगा तो भाई बट ऑब्वियस टाइम निकल गया लेकिन अगर आप आज देख रहे हो तो जैसे कि और उसके बाद पच्चीस से छब्बीस मार्च से लेक्चर चालू करूँ क्योंकि मुझे यार पता है कि सेटल करना है फिर टाइम है हमारे पास बहुत है आई नो कि सर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो लोग कहते हैं कि सर रिजल्ट के बाद भी क्लास चालू होते हैं क्या पिछला बैच सर यहाँ पे मई जून में आया था और उसके बाद सर मैं क्या बताऊ आपको कि अभी भी बहुत अच्छे बच्चे पास हो गए लेकिन ड्रीम है सर कि यहाँ पे हर एक बच्चा पास हो ये ड्रीम बैच है मैं पूरी जान लगा दूंगा आप रेडी हो अगर हो तो आइए ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में आइए रेगुलर कीजिए सारी चीजें को एक एक तरीके से रखो चीजेंटिकल कोर्स है हमारे बीबीए बी कॉम जो भी उसके साथ चल रहा है लेकिन उसको अच्छे से करोगे शांति से करोगे तो हो जाओगे सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो ये पहला सेशन था थैंक यू सो मच सो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा होगा कि हाँ यार चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और होशियारी मतलब ज्यादा पढ़ना विदाउट प्लान पढ़ना सिर्फ पढ़ना सोलह घंटे पढ़ना नहीं सर अब पढ़िए लेकिन प्लान के साथ पढ़िए स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा चलिए तो यही पे मैं रुकता हूँ थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और प्यार दिखाया चलो so, थैंक यू दोस्तों